press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक्सपीरियंस रहा एक्स के साथ किस मामले में? टच में। अरे अभी तो एक्सपीरियंस शुरू हो रहा है। रिहर्सल्स कुछ हुए? ऑफ कोर्स रिहर्सल्स हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं इनफैक्ट, एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं हम दोनों अच्छा डांस करने के लिए, बट हाँ मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। एक्सपीरियंस इज लाइक राइट एवरी डे एक्सपीरियंस इज गोइंग गुड। ओके, सो फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो मेरे एक्स हैं जिनके बारे में मैंने कभी आज तक बात नहीं की है, और आप लोग बहुत काइंड अनफ रहे हैं कि मुझे ज़्यादा प्रूव ना करें मेरी पर्सनल लाइफ में, सो थैंक यू पहली बात तो उसके लिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करने में, इनफैक्ट ये मेरा पहली बार होगा उनके साथ काम करना, तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। ओके, सो डांसिंग के वक्त कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब तक मुझे लग रहा था कि मुझे डांस आता है, क्लियरली नहीं आता है, मुझे ऐसा अब महसूस हो रहा है, तो अब फिर से कोशिश कर रही हूँ डांस सीखने की। ओके, रीज़न क्या था नच पहले तो हाँ कहने के? रीज़न यही था मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने कभी एक डांस रियलिटी शो किया नहीं है इससे पहले, और अलग कॉन्सेप्ट है इनका, इनका विजन अलग है, मुझे अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने हाँ बोली। ओके, जब आपको कॉल आया था इन लोग कि एक्स के साथ करना है, तो वॉज देयर एनी सेकंड थॉट कि करना है कि नहीं करना है? कंफ्यूज थी कि फैसला ले लिया कि हाँ करना है चलो? देखिए, कंफ्यूज नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं हर जो भी प्रोजेक्ट का ऑफर मेरे पास आता है मैं पहले उसे अच्छी तरह सोचती हूँ, सुनती हूँ, सोचती हूँ उसके बारे में, और फिर अपना डिसीजन लेती हूँ। और नच बलिए के साथ भी मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, मेरा प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। व्हाट वाज योर सन्स रिएक्शन जब उनको पता चला कि आप जा रही हैं नच बलिए में? मेरी फैमिली का रिएक्शन हमेशा काफ़ी सपोर्टिव रहा है, और वो जानते हैं कि मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ उसके पीछे ज़रूर कोई प्लस पॉइंट ही होगा, और कुछ सोच विचार करके ही मैंने यहाँ बोली, सो वेरी सपोर्टिव आई मस्ट से। ओके, यू नो ऑल्सो खबरें ये भी आ रही थी कि आप दोनों सिर्फ डांस के वक्त ही एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन बाद में आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, कितनी सच्चाई है इस बात में? कौन आप दोनों? जी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों अलग, मतलब डांस करते वक्त तो ऑब्वियसली बात करना ही पड़ता है, इनफैक्ट बात नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ डांस करना है, वो टाइम है जब हम बात नहीं करते एक दूसरे से, तो जो दूसरी खबर आपको मिली है वो गलत है। गलत है? ओके, इसके अलावा यू नो इस टाइम सेकंड टाइम आप सलमान खान के साथ में जुड़ने जा रहे हैं, एक तो बिग बॉस था, इस बार फिर से सलमान खान प्रोडक्शन है, तो ये कितना एक्साइट कर रहा है आपको? मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है, क्योंकि मैं उनके साथ अभी दोबारा 7 सालों के बाद आई थिंक काम कर रही हूँ, और एक्साइटमेंट तो होती है, किसे नहीं होगी उनके साथ काम करने में, फिर चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या यू नो एज लाइक एज अ प्रोड्यूसर एक्टर या फिर होस्ट एक्टर, हाउ डज इट, सो एक्साइटमेंट तो है, पॉज है, बहुत है। और फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी शूट हो चुका है जी, तो क्या स्पेशल हुआ उस फर्स्ट एपिसोड में? स्पेशल तो ये हुआ कि खुलासा हो गया मेरी लाइफ का फर्स्ट एपिसोड में, जो आप लोग देखेंगे 19 तारीख को रात 8 बजे स्टाफ रेस्ट। ओके, क्या कहना चाहेंगे लास्टली अपने फैंस को, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, इस बात को प्लीज़ गलत मत समझिए कि ये सिर्फ शो के लिए ये कॉन्सेप्ट बना है। मेरे हिसाब से ये जो शो का जो कॉन्सेप्ट है गेटिंग एक्सेस टुगेदर, ये दिखाने के लिए है, ये दिखाने जा रहा है कि आप भले साथ में ना हो लेकिन आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, आपका कंफर्ट लेवल हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे अलाउ करें तो, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी टू थिंक विद एन ओपन माइंड के इसके बारे में सोचें, कोई भी अगर आज की डेट में जिनका ब्रेकअप हुआ हो कोई बैर ना रखें, छोटी सी जिंदगी है,
बैर रखने का कोई मतलब नहीं है, तो खुशी खुशी जियो, अच्छे से जियो और को एग्जिस्ट करो एंड मूव ऑन. थैंक यू सो मच. थैंक यू.